हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो SMPS से हम हीटर को सप्लाई देते हैं 24 वोल्ट का SMPS से, तो हम दूसरा और क्या रास्ता हो सकता है जिससे हम हीटर को बजा सकते हैं, हीटर में सप्लाई दे सकते हैं 24 वोल्ट। लेकिन 24 वोल्ट से ज़्यादा DC 24 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक तो SMPS से हम सप्लाई दे सकते हैं, दूसरा हम सप्लाई एक और जगह पैनल में होता है जो 24 वोल्ट सप्लाई देता है हमें, तो हम उससे भी हम उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं उसमें, जब हम SMPS हमारे पास ना हो तो। और SMPS और ज़्यादातर जनरली SMPS से ही हमें करना चाहिए ये चीज़। दूसरा जो अल्टरनेट में बताने जा रहा हूँ उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। देखिए, अब आपको मैं बताऊँगा कि ये कौन सा जगह है ऐसा कि उससे हम सप्लाई ले सकते हैं। तो AMPS में एक ऐसा पोर्ट होता है, AMPS SMPS नहीं, AMPS में एक पोर्ट होता है ये इस तरह से, ये वाला SMPS में, SMPS नहीं, AMPS में एक जगह पोर्ट होता है, वहाँ पे हम जो हीटर का जो वायर होता है, जो हीटर का जो 24 वोल्ट सप्लाई देते हैं हम इसमें कंट्रोल मॉड्यूल में, तो वो वाला वायर हम उसको जो उसका सप्लाई SMPS से हम जाते हैं जो कंट्रोल मॉड्यूल पे देते हैं, वही वाला वायर हम इस जगह पे भी हम लोग डाल सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ अब आपको। तो ये जगह ऐसा होता है, ये जो ऑक्सिलरी 24 वोल्ट, यहाँ से हम दो हीटर को सप्लाई दे सकते हैं। दो हीटर मतलब यहाँ से हम दो लूप को कनेक्ट कर सकते हैं हीटर का, एक इधर है एक उधर है, बीच वाला पोर्ट खाली रहेगा। तो इस तरह से ये अभी मैं दिखाता हूँ अब आपको कनेक्शन करके। तो एक कनेक्शन आता है इसका, ये वाला ये है टर्मिनेशन है, यही टर्मिनेशन में हम लोग कनेक्शन करेंगे उस पर, रेड वाला वायर एक तरफ 24 वोल्ट में और ब्लैक वाला वायर कॉमन में। और मैं इसमें डेमो करके भी दिखाऊंगा हीटर बज रहा है कि नहीं बज रहा है इससे, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं दोस्तों प्रूफ के साथ बनाता हूं, तो इसलिए हम लोग ये यहां पे इसको कनेक्ट कर देंगे, यहां पे कनेक्ट कर दिए, अब पुश कर देंगे उसको इसी तरह से, हो गया, ये कनेक्शन हो गया है। ये कनेक्शन मेरा, यहाँ से हम कंट्रोल मॉड्यूल को सप्लाई दिए हैं 24 वोल्ट सप्लाई, डीसी सप्लाई 24 वोल्ट कंट्रोल मॉड्यूल को दिए हैं। ये कंट्रोल मॉड्यूल, ये वाला वायर ऊपर से आया है, ये कंट्रोल मॉड्यूल पे आ गया है। कंट्रोल मॉड्यूल का जो एक्सटर्नल पावर सप्लाई होता है ना, एक्सटर्नल पावर सप्लाई, ये T11 एंड T10, तो इस पर हम डाल दिए हैं इसको सप्लाई में। चलिए अब आपको हम डेमो करके भी दिखाऊंगा, MCP प्रेस करके दिखाऊंगा हीटर बज रहा है कि नहीं बज रहा है। देखिए, MCP प्रेस किया, से ये MCP भी फायर में आ गया था और ये हीटर बजना शुरू हो गया था। हीटर बज रहा था, ये हीटर सप्लाई किए थे इसमें। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, ताकि मैं इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपके लिए लाता रहूं। वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों।